गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये आपका जो करंट में चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12, और ये लास्ट टॉपिक है। टॉपिक क्या? फैट ऑफ अमोनिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। और ये टॉपिक ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये लास्ट ही टॉपिक है। और इसके अकॉर्डिंग फैट ऑफ अमोनिया दो कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट रिडक्टिव एमिनेशन और सेकंड पॉइंट आता है ट्रांस एमिनेशन। दो पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? रिडक्टिव एमिनेशन। और सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? ट्रांस एमिनेशन। और रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब क्या क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स क्या होता है? अमोनिया रिएक्ट विद, अमोनिया किससे रिएक्ट हुआ? अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इसको आप ध्यान रखिए, अमोनिया किससे रिएक्ट कर रहा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और इसके बाद जो फॉर्म होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, ओके। तो इसमें रिडक्टिव एमिनेशन में क्या है? अमोनिया किससे रिएक्ट कर रहा? अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एंड फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड। देन अब यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड प्लस अमोनिया प्लस NADPH। इसको मैं यहाँ राइट की दे रहा हूँ, और कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले अल्फा कीटो, ओके, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा बताइए? अमोनियम NH4, प्लस क्या ऐड हो रहा है इसमें? NADPH, NADPH, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन। और यहाँ से रिएक्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो यूज होगा क्या होगा? ग्लूटेमेट, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डीहाइड्रोजिनेज, ये यहाँ पे क्या यूज होगा? एंजाइम। और ये चेंज कर देगा ग्लूटेमेट, ओके, प्लस H2O और प्लस क्या आ जाएगा? NADP। मतलब आप यहाँ पे क्या था? NADPH। यहाँ पे क्या आपका लेफ्ट आएगा? NADP। तो रिडक्टिव एमिनेशन का मीन्स क्या हुआ? अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। जब अमोनिया रिएक्ट करता अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड तो फॉर्म होता है ग्लूटामिक एसिड। और सेकंड पॉइंट है ट्रांस एमिनेशन। इसमें क्या जाएगा? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप। मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा? एमिनो ग्रुप फ्रॉम द एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप। एमिनो एसिड से कहाँ पे? कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। देन ग्लूटामिक एसिड इज अ मेन अमीनो एसिड एंड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH3। क्या फॉर्म कर रहा? NH3 को। द एमिनो ग्रुप टेक प्लेस द अदर एमिनो एसिड एंड फॉर्म थ्रू द ट्रांस एमिनेशन। एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड तक पहुंचना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है? ट्रांस एमिनेशन, ओके। इंजाइम ट्रांस एमिनेज, और इंजाइम कौन सा होता है? ट्रांस एमिनेज कैटलाइज ऑल सच रिएक्शन। मतलब यहाँ पे जो इंजाइम का वर्क होता है ट्रांस एमिनेशन में, इंजाइम का नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आता है एमिनो डोनर कार्बन, देन यहाँ पे क्या आर ग्रुप, यहाँ पे क्या जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, देन यहाँ पे क्या जाए? NH3, और ऊपर क्या जाए? हाइड्रोजन। और एक कंडीशन क्या होगी? एमिनो डोनर, क्या बोलेंगे इसे?
एमिनो डोनर प्लस क्या आया यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट कंडीशन क्या आर्गन ग्रुप, देन यहाँ पे क्या आया आर टू ग्रुप, और आर टू ग्रुप में यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आया सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ ओ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कंडीशन जो बनेगा यहाँ पे रिवर्स भी कंडीशन है यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे राइट की दे रहा हूँ आर डैश देन सिंगल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ओके देन क्या आ जाएगा आर वन था प्लस आर टू, आर टू में क्या आर टू सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ओके, और नीचे क्या आ जाएगा एन एस थ्री, ये क्या था एमिनो डोनर, और यहाँ पे क्या जाए एमिनो एक्सेप्टर, एमिनो एक्सेप्टर ओके, देन द टू इम्पोर्टेंट एमाइड्स, फर्स्ट क्या होता है एस पैराजाइन और दूसरा क्या है ग्लूटेमाइन, फर्स्ट क्या है एस पैराजाइन और सेकेंड क्या है ग्लूटेमाइन, फाउंड इन प्लांट्स, कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स में, आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन, और दोनों इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर में, दे आर फॉर्म टू मेन अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड, एमाइड में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है ज़्यादा होता है कंपेयर किसके अमीनो एसिड, द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूराइड्स, जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में होती है यूराइड्स ओके यूरेट्स यू आर ई आई डी ई एस, इस फॉर्म में स्टोर होती है, देन एज द हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो, देन एज द यहाँ पे वर्ड यूज हुआ एमाइड्स, एमाइड्स क्या होता है कंपाउंड दैट हैव नाइट्रोजन एटम बाउंडेड टू वन साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जब नाइट्रोजन एटम कार्बोनिल ग्रुप से बाइंड होते हैं तो वहाँ पर हम क्लासीफाइड कर सकते हैं एमाइड, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप का नाइट्रोजन का कार्बोनिल से अटैच होना ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश है चैप्टर नंबर 12, और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए, आज हमने कम टॉपिक इसलिए अपडेट किया क्योंकि आज आप लोगों का एग्ज़ाम भी था ओके। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आपको पता है मेरी हर वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है और उनके आंसर आपको देना है, तभी पता चलेगा हाँ आपने कुछ वीडियो बाच की नहीं किया है ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नेम द टू स्टेप इन्वॉल्व फैट ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द टू स्टेप इन्वॉल्व किसमें फैट ऑफ अमोनिया, फैट ऑफ अमोनिया, फैट ऑफ अमोनिया में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछा एमाइड्स, इन दोनों का आंसर देना बस, एमाइड्स क्या है, तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ओके, और चैप्टर को डीपली स्टडी कर लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में, और नोट्स आपको प्रॉपर बनाना क्योंकि कुछ वर्क मैं सेंड कर रहा हूँ और कुछ आप लोग खुद अपने मन से नोट्स बनाते जाइए। हाँ जहाँ भी डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है तो उसको फिर से समझा देंगे। तो यहाँ आपके चैप्टर कंप्लीट हुए चैप्टर वन से चैप्टर नंबर 12, और कल हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 13 ओके। आप एग्ज़ाम दीजिए बट हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे,
10 या 15 मिनट की वीडियो रहेगी, इसको आप देखते जाइए ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइमिंग, जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।